क्या आप 3, 4 या 5 सालों से सीनियर लॉयर्स को कर रहे हैं असिस्ट, पर नहीं समझ पा रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आईपीसी क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है और उससे इम्पोर्टेंट सीआरपीसी क्या है, साथ ही कौन से सेक्शंस कहाँ यूज होते हैं, कब यूज होते हैं या किस प्रोसीडिंग्स में कौन से सेक्शंस यूज होते हैं? क्या आप लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन सब के लीगल ड्राफ्ट फॉर्मेट को जानते हैं? हाय फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मैंने राउंड अबाउट 2 सितंबर 2018 को यूट्यूब में डाला था हमारे बडिंग लॉयर्स के लिए, अदर ट्रायल्स के लिए और लेमेंस के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग को समझने के लिए। क्या आप लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन सब के लीगल ड्राफ्ट फॉर्मेट को जानते हैं? ये लीगल ड्राफ्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या कितने फॉर्मेट्स होते हैं, राइट फ्रॉम द जेएमएफसी टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे, कितने क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, कितने फॉर्मेट्स होते हैं, इसके लिए मैंने किताब निकाला था। वो भी वीडियो ये मेरा यूट्यूब में एपिसोड 2 में है। सो टुडे ए गुड न्यूज है, माई क्रिमिनल लीगल ड्राफ्ट बुक हैज बीन रिलीज, इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। मैंने पहले भी एपिसोड नंबर 2 में इस बुक का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, इसके जितने एडिशन के बारे में, एंड दिस इज द 7th एडिशन ऑफ द बुक विच हैज बीन रिलीज। सो इस बुक के जरिए मैंने जितने भी जूनियर और सीनियर लॉयर्स या नया लॉयर्स हैं, जो बडिंग लॉयर्स हैं या फिर अंडर ट्रायल्स है या लेमेंस है, उन लोगों को पूरी तरह से मैक्सिमम फॉर्मेट्स दिलाने के लिए ये मैंने किताब बनाया था, एंड 7th एडिशन तक हुआ है। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल बुक, ऑल द लॉयर्स आर वेरी हैप्पी। हालांकि इसका पब्लिसिटी काफ़ी इतना नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी है, इट्स इट्स ओके। आई एम एक्सपेक्टिंग मच मोर, ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम मार्केटिंग प्रॉब्लम या फिर हर कोर्ट्स में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा हाइप नहीं है। बेल, ट्रायल, अपील, रिविजन, रिट पिटीशन, एसएलपी एक्सेट्रा, इन्हें कैसे बनाया जाए? क्या आप जान नहीं पा रहे हैं? देन नो वरीज, इट इज अ स्माइल फॉर ऑल द लॉयर्स, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार लॉयर्स के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आ रही है। कमिंग अप इज अ वेब सीरीज, बिकम लॉयर ऑफ योर ओन, दैट इज सीआरपीसी सिंप्लीफाइड। सो नाउ बिकम अ इंडिपेंडेंट लॉयर, वॉच दिस स्पेस टू अ सक्सेसफुल करियर। सीआरपीसी सिंप्लीफाइड, सो नाउ बिकम सो अ ये इंडिपेंडेंट लॉयर, जो वॉच दिस स्पेस टू अ वीडियो सक्सेसफुल हमने करियर। बनाया इन दिस वीडियो, सो उसके बाद में देन पहला लीगल ड्राफ्ट बना दिया 2005 में, देन 2018 में लॉयर्स लोगों को क्रिमिनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया, दैट वाज टाइटल्ड एज बिकम लॉयर ऑफ योर ओन। तो ये यूट्यूब में अभी भी चल रहा है, बहुत से व्यूवर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई एम गेटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ कमेंट्स एंड अप्रिसिएशंस, सो इट्स गुड, ठीक है। सो उससे एनकरेज होकर नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग, अभी कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोर्ट सब बंद है, सो देन आई थॉट ऑफ वन थिंग कि एक और चीज मैं अपने लॉयर लोगों के लिए मैं कर सकता हूँ या लेमैन्स के लिए कर सकता हूँ, वो क्या है? इट्स अ लीगल ट्रेनिंग, दैट इज लॉयर्स कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया है। ना पर्सनली मैंने स्टार्ट नहीं किया क्लासेस, क्योंकि कोविड-19 और लॉकडाउन का पीरियड चालू है, इसके लिए मैं पर्सनली किसी को बुलाकर अपने क्लासेस ओपन नहीं किया है, बट शॉर्टली आई विल बी ओपनिंग इट। सेकेंड, आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, इवन ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट भी तैयार हो रहा है जिसके थ्रू ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, एंड चैटिंग के थ्रू भी ट्रेनिंग दिया जाएगा।
Now presently what I'm thinking that through the through three, four channels, that is, one is the mobile calls, WhatsApp chatting, and WhatsApp video calls and emails. इनके थ्रू मैं सोच रहा हूँ कि आई वुड रादर लाइक टू स्टार्ट ए कोचिंग क्लासेस फॉर ऑल द लॉयर्स हुएवर आर इंटरेस्टेड टू लर्न द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स राइट फ्रॉम द जेएमएफसी टू द सुप्रीम कोर्ट. इसमें क्या क्या है स्पेशली ब्रीफली मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद में उसके एंडिंग में रोलिंग में आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा. फिर भी ये ब्रीफली आप लोगों को बता देता हूँ. उसके अंदर जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स राइट फ्रॉम द जेएमएफसी टू द सुप्रीम कोर्ट इज अवेलेबल विल बी मेड अवेलेबल सॉरी विल बी मेड अवेलेबल थ्रू द कोचिंग क्लासेस. सेकेंड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. थर्ड थिंग, द ट्रायल प्रोसीडिंग्स, द रिट पिटीशंस, the SLP, that is the specially petitions which are filed in the supreme courts, aur uske andar what are the step by step criminal proceedings, kya step by step stages of criminal proceedings. So these are all the things which I am going to practically teach you through the mobile calls and emails and WhatsApp videos and chattings and everything as far as possible. To the maximum extent level to educate you all people. So I would rather be very happy if you people are interested. Please join my classes, that is Advocate Sushant Kunjaraman's lawyer training classes. Welcome.